हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट लेक्चर। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आप कैसे इजीली कुछ ट्रिक्स की मदद से आराम से बना सकते हैं। पिछले लेक्चर में आपको मैंने सिंपल पास्ट पढ़ाया था, तो उसमें सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस ऑब्जेक्ट उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है अफर्मेटिव सेंटेंस का। तो अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दिया है, देख लीजिएगा। अब बात करते हैं हमारे रूल वन की, यानी कि अगर आपको वर्ब दिया है तो उससे कैसे उसका सेकेंड फॉर्म यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म कैसे बनाएंगे। तो देखिए रूल वन क्या कहता है, इफ अ वर्ब एंड्स इन ई देन ऐड डी, यानी कि कोई क्रिया, कोई भी शब्द जो होता है क्रिया का, वो किससे एंड होता है, वो ई से एंड होता है, तो उसमें आपको कुछ नहीं करना, सिंपल डी ऐड कर देना है। कैसे, वो क्या बन जाएगा, अग्री और डी। नेक्स्ट वर्ड देखिए आपका क्या है, लाइक, ई पे एंड हो रहा है तो क्या एड कर दिया हमने, डी, तो हमारा क्या बन गया, वो लाइक और डी लाइक। नेक्स्ट देखिए हमारा क्या वर्ड है आपका, एस्केप, एस्केप मतलब होता है कि गार्ड हो जाना, तो उसमें हमने क्या ऐड कर दिया, डी ऐड कर दिया है, तो क्या बन गया हमारा इसका सेकंड फॉर्म, एस्केप और डी, यानी अग्री लाइक एस्केप। रूल वन में क्या देखा, कोई वर्ब ई से एंड होता है तो उसमें डी लगा के उसका सेकंड फॉर्म बना दिया जाता है। अब देखते हैं रूल टू क्या कहता है। अब देखिए नेक्स्ट रूल क्या कहता है कि इफ अ वर्ब एंड्स इन अ वोवल एंड अ कॉन्सोनेंट, द कॉन्सोनेंट इज यूजुअली डबल एंड ऐड ईडी, यानी कि अगर कोई भी क्रिया वोवल से एंड होती है, कैसे, आप यहां देखिए एंड मतलब कि ये, कोई भी क्रिया किसी वोवल से अंत होती है और साथ में क्या लेके चलती है, कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट यानी आपके ये व्यंजन पी एन जी एम, तो आपको क्या कर रहा है, द कॉन्सोनेंट इज यूजुअली डबल, अप कॉन्सोनेंट को आपको डबल कर देना है और उसमें ईडी ऐड कर देना है। कैसे देखिए, स्टॉप वर्ड था, लास्ट लेटर क्या था, पी, डबल अप कर दिया और क्या बन गया, स्टॉप्ड। नीचे देखिए पी एल ए एन, प्लान, और एन क्या था, कॉन्सोनेंट डबल कर दिया, क्या ऐड कर दिया, ईडी प्लान। बीई जी बैग, भीख मांगना, उसमें जी डबल अप कर दिया और ईडी बना दिया बैग। डैम, डैम में डबल एम कर दिया और ईडी बना दिया डैम। तो हमने एक चीज देखी कि हमारा जो अगर इस तरीके का पैटर्न आता है, लास्ट में ई आ रहा है या लास्ट में एक कॉन्सोनेंट आता है, उससे पहले एक वॉवल होता है, तो हम उस कॉन्सोनेंट को डबल अप कर देते हैं और क्या करते हैं, साथ में ईडी लगा देते हैं उसके सेकंड फॉर्म के लिए। इसे आप क्या कह सकते हैं, इसे आप एक और पैटर्न का नेम दे सकते हैं, सीवीसी। आपने जूनियर क्लासेस में बच्चों पढ़ा होगा जब आपको पी एन पैन इस तरीके से लिखा जाता है, बी ए जी बैग, तो वो क्या होता है, वो होता है सीवीसी पैटर्न, यानी कॉन्सोनेंट, वॉवल और कॉन्सोनेंट। आप इसमें देख सकते हो कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट, बीच में वॉवल, 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 तो ये सीवीसी पैटर्न फॉलो करता है। तो जो सीवीसी में होगा उसमें सिंगल ईडी लग जाएगा और उस कॉन्सोनेंट को डबल अप कर दोगे आप, तो डबल होने के साथ उसका चेंज हो जाता है ईडी लगा के सेकेंड फॉर्म में। अब देखते हैं रूल थर्ड स्टूडेंट, अब बात करते हैं नेक्स्ट रूल की। नेक्स्ट रूल हमारा क्या कहता है कि इफ अ वर्ब एंड्स इन कॉन्सोनेंट्स विद वाई एंड देन ऐड ईडी, यानी कि अगर कोई आपका वर्ब किस चीज से एंड होता है, एक कॉन्सोनेंट से एंड होता है और उसके साथ में वाई भी होता है, तो आपको क्या ऐड कर देना है, उसमें सिंपल ईडी ऐड कर देना है। कैसे, आपने ये सिंगुलर प्लूरल की क्लास में भी देखा होगा कि जिस इस तरीके के अगर वर्ड आते हैं वाई एंड में होता है तो ये रिप्लेस ई एस से हो जाता है, तो सेम उसी तरीके का कुछ होने वाला है यहाँ पे। ये क्या बन जाएगा, टी आर, वाई रिप्लेस हो जाता है आई से और ई टी, यानी ये बन जाएगा आपका ट्राई, वाई रिप्लेस हो गया आपका आई में और फिर उसके बाद कन्वर्ट हम उसमें ईडी ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाता है ट्राई। वैसे ही कैरी, सी ए आर आर, वाई आपका रिप्लेस हो गया आई डी में। तो रूल थर्ड में हमने क्या देखा कि अगर आपके पास कोई एक शब्द है यानी क्रिया का और वो एंड हो रहा है वाई से और उससे पहले एक क्या है आपका कॉन्सोनेंट ही है लेकिन वो वाई से ही एंड हो रहा है, तो ये ध्यान रखिए कि वाई रिप्लेस हो जाता है आई में और ईडी ऐड हो जाता है आपके वर्ब के साथ, यानी उसका पास्ट फॉर्म बन जाता है। अब बात करते हैं रूल फोर की। रूल फोर क्या कहता है कि इफ द वर्ड्स एंड्स इन अ वॉवल अदर देन ई, यानी ई को छोड़ के जो बाकी वॉवल्स होते हैं उसमें अगर कोई शब्द एंड होता है, कोई वर्ब एंड होता है, वर्ड्स मतलब वर्ब समझ लीजिए आप, तो उसमें भी आप सिंपल क्या करोगे, ईडी ऐड कर दोगे। कैसे, इकोट और ये, देखिए यहाँ पे ये किससे एंड हुआ, आई से, ई के अलावा ये किससे एंड हुआ, ओ से, तो हमने सिंपल क्या करा, ऐड हमने इसमें
जी ऐड कर दिए, यानी कि सिंपल अगर कोई भी किसी भी वर्ब का वर्ड यानी किसी भी क्रिया का शब्द एंड होता है किसी वॉवल से, किसी भी स्वर से सिवाय ओ ई के अलावा, तो आप उसमें ईडी ऐड कर दोगे। तो ये था रूल थर्ड और फोर्थ। अब कुछ और रूल्स जानते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि अगर किसी भी उसमें एक सिलेबल से ज्यादा है आपके वर्ड में, तो आप ध्यान दीजिए कि जो फाइनल सिलेबल होता है उस पे अगर ज्यादा स्ट्रेस दिया जा रहा है यानी उस शब्द को खींचा जा रहा है, तो उस शब्द को डबल अप कर देते हैं और ईडी लगा देते हैं। कैसे? डिफर, र पे साउंड आ रहा है, रिशिप, प पे ज्यादा स्ट्रेस दिया जा रहा है, रिग्रेट, ट पे स्ट्रेस दिया जा रहा है, कंपेल लास्ट, ल पे स्ट्रेस ज्यादा दिया जा रहा है। अगर किसी में भी एक से ज्यादा सिलेबल है तो ध्यान रखिए उस सिलेबल को अगर आप स्ट्रेच करते हैं, उस वर्ड का जो सिलेबल होता है उसको स्ट्रेच करते हैं, तो जो फाइनल सिलेबल हमारा होता है वो क्या होता है आपका, उस कॉन्सनेंट को हम डबल अप कर देते हैं एंड उसमें ईडी ऐड कर देते हैं। कैसे? देखिए, डेफर, इस र पे ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, रिग्रेट ट पे हो रहा है, रिशिप पी पे, कंपेल एल पे। जैसे ये बन जाएगा डेफर और ये डबल अप ईडी, रिग्रेट टी डबल ED, regretted, reshape, double ED, compel, double ED। तो अगर किसी फाइनल सिलेबल पे ज्यादा स्ट्रेस पड़ रहा है तो उस सिलेबल को डबल अप कर देते हैं एंड उसमें ईडी ऐड करते हैं। ये बात तो थी जब सिलेबल को स्ट्रेस किया जाता है, खींचा जाता है, लेकिन कुछ वर्ड ऐसे भी होते हैं, कुछ क्रिया ऐसी होती है जहां पे आप सिलेबल को खींचते नहीं हो। कैसे? उनको भी देख लेते हैं। उनके कुछ वर्ड्स मैं आपको एग्जाम्पल्स में बताती हूँ। जैसे ऑर्बिट, सिंपल है, आप ऑर्बिट बोल लो, कोई इसमें खिंच नहीं रहा। लिसन, ये तो नहीं कह रहे लिसन, नहीं, लिसन सिंपल बोल रहे हो। ट्रैवल, एक और ले लेते हैं, कंसीडर। अब आप देखो कि इनमें आप इस लास्ट वाले सिलेबल पे कोई स्ट्रेस नहीं डाल रहे, कोई कुछ नहीं उसे खींच रहे होगी, ऑर्बिट या लिसन, ट्रैवली, कंसीडर, नहीं। हम यहाँ पे क्या ध्यान रख रहे हैं, हम देखिए हमारा लास्ट सिलेबल को नहीं स्ट्रेस किया जा रहा है, तो सिंपल इसमें ईडी ऐड हो जाएगा, ये बन जाएगा ऑर्बिटेड, लिसन, ईडी ऐड हो जाता और कुछ नहीं होता, ट्रैवल, और ये हो जाएगा आपका कंसिडर। यानी कि जब लास्ट सिलेबल पे स्ट्रेस नहीं दिया जा रहा हो तो ईडी ऐड हो जाता है, लेकिन अगर लास्ट सिलेबल पे स्ट्रेस दिया जा रहा हो तो कॉन्सनेंट डबल हो जाता है और ईडी ऐड हो जाता है। तो ये थे हमारे कुछ रूल्स रिगार्डिंग दीज वर्ब कि आप कैसे इनका वी टू यूज करोगे। और एक चीज ध्यान रखिए, ग्रामर में स्पेशली वर्ब फॉर्म में क्या होता है, जिनमें भी ईडी ऐड होता है ये होते हैं रेगुलर वर्ब्स, और जिसमें नहीं होता वो होता है इरेगुलर। कैसे? मैं आपको एक एग्जांपल भी दे देती हूँ। ये अगर इस तरीके के ईडी वाले होते हैं, ईडी वाले वर्ड्स होते हैं रेगुलर के। और एक और देती हूँ, गो, वेंट, गॉन, तीनों अलग अलग फॉर्म्स ऑफ वर्ब है, तो ये हो जाती है आपकी इरेगुलर वर्ब्स। रेगुलर वर्ब्स में क्या ऐड होता है ईडी, इरेगुलर में नहीं होता, इनके अपने सेपरेट अलग वर्ड्स होते हैं। तो ये थी क्लास आज की, आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ कि लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर अच्छा लगे तो फटाफट से लाइक, कमेंट, शेयर, और अगर आप चैनल पर नए हैं स्टूडेंट तो फटाफट इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में।